नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SD हिंदी कोर्स को। दोस्तों, इस चैनल पर हम बाबा साहब से संबंधित तमाम वीडियो को अपलोड करते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आज तक हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन व उनके संघर्षों के बारे में पढ़ा और देखा, जैसे कि बाबा साहब का जन्म कहाँ और कब हुआ था, उनके परिवार में कौन कौन लोग थे और उनका क्या नाम था, बाबा साहब की स्कूल और कॉलेज की शिक्षा कब और कैसे हुई, वह लंदन के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कब और कैसे पढ़ने गए, उन्होंने बौद्ध धर्म को क्यों और कब स्वीकार किया। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उसे एक बार जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम मुख्य टॉपिक पर चलते हैं। आज का मुख्य टॉपिक यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मृत्यु कब और कैसे हुआ था, क्या उनकी मौत प्राकृतिक थी या उनकी हत्या की गई थी। दोस्तों, इन्हीं कुछ सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जा करके आपको पूरी बात समझ में आएगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बाबा साहब की दो शादियां हुई थी। पहली शादी सन 1906 में माता रमाबाई के साथ हुई थी। माता रमाबाई को लंबे समय से बीमार होने के कारण सन 1935 में ही मृत्यु हो गई। माता रमाबाई के मौत के बाद बाबा साहब बिल्कुल अकेले हो गए थे। कुछ दिनों बाद ही बाबा साहब उस सदमे से बाहर निकल पाए और फिर दलितों और महिलाओं के उद्धार के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने समता, समानता, बंधुत्व एवं मानवता पर आधारित भारतीय संविधान को 2 साल 11 माह 18 दिनों के कठिन परिश्रम से तैयार कर 26 नवंबर 1949 को देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा। दोस्तों, संविधान निर्माण के कार्य में कड़ी मेहनत करने के दौरान ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तबीयत बिगड़ने लगी थी, क्योंकि उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। जांच कराने के उपरांत पता चला कि बाबा साहब को शुगर और बीपी की बीमारी है। तब बाबा साहब के बीमारी का इलाज चलने लगा था। जिस डॉक्टर के द्वारा उनका इलाज चल रहा था, उनका नाम शारदा कबीर था। शारदा कबीर एक ब्राह्मण परिवार से आती थीं। आपको बता दें कि बाबा साहब ने डॉक्टर शारदा कबीर से सन 1948 में दूसरी शादी कर लिया था। बाद में उनका नाम बदलकर डॉक्टर सविता अंबेडकर रख दिया गया। बाबा साहब के इस दूसरी शादी से दलित और ब्राह्मण, ये दोनों बाबा साहब से खूब नाराज थे। दलितों का कहना था कि अगर बाबा साहब को दूसरी शादी करनी ही थी तो वह एक ब्राह्मण लड़की से क्यों शादी किए, उन्हें किसी दलित समाज के लड़की से शादी करना चाहिए था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुआ था। दोस्तों, उस समय बाबा साहब के मृत्यु को लेकर के कई सवाल खड़े हो गए, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को किसने मारा, उनकी मौत प्राकृतिक थी या किसी ने उनकी हत्या किया है, ना जाने कितने सवाल खड़े होते गए। दोस्तों, आपको बता दें कि शक की सुई डॉक्टर सविता अंबेडकर की ओर जाने लगी। बाबा साहब के अनुयायियों ने उनकी मौत की जिम्मेदार उनकी दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर को माना। बाबा साहब अपने मृत्यु के एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर 1956 के शाम को कुछ लोग से मिले भी, फिर उन्हें सिर दर्द होना शुरू हो गया। उन्होंने अपने सहायक से अपना सिर भी दबवाया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक लेखक भी थे। उन्होंने 5 दिसंबर की रात को बुद्ध एवं उनका धम्म नामक किताब की भूमिका लिखी और फिर किताब ऊपर अपना हाथ रखकर सो गए। अगली सुबह जब सविता अंबेडकर हमेशा की तरह सोकर उठी तो उन्होंने बिस्तर की तरफ देखा तो बाबा साहब बिस्तर पर नहीं, अपने कुर्सी पर ही सो गए थे। सविता अंबेडकर ने बाबा साहब को आवाज़ दिया, लेकिन बाबा साहब कुछ नहीं बोले।
तब जाकर के सविता अंबेडकर बाबा साहब के पास गईं। उन्होंने देखा कि बाबा साहब के शरीर में किसी प्रकार का हलचल नहीं हो रहा है, उनका पूरा शरीर ठंडा हो चुका है। दोस्तों, बाबा साहब शायद रात में सोते समय ही गुजर चुके थे। 6 दिसंबर 1956 की सुबह बाबा साहब का निधन हो गया। ये समाचार देश में आग की तरह फैल गई थी। बाबा साहब के अनुयायी सदमे में आ गए। उन्हें ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि दलितों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया है। इस घटना पर कुछ लोगों का कहना है कि बाबा साहब को सोते हुए हार्ट अटैक आ गया, इस वजह से उनकी मौत हो गई। और कुछ लोगों का कहना है कि बाबा साहब को शुगर और बीपी के कारण मौत हो गया। लेकिन बाबा साहब के अनुयायी यह जानना चाहते थे कि बाबा साहब की मौत कैसे हुई। देश के करोड़ों अंबेडकर वादियों की अपील पर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने जांच कमेटी बैठाई। दोस्तों, इस कमेटी ने डॉक्टर सविता अंबेडकर को मुक्त कर दिया। बाबा साहब के अनुयायियों ने पूरी कोशिश की कि बाबा साहब के मौत के पीछे का कारण पता चल सके, लेकिन ये मुश्किल था क्योंकि जिस व्यवस्था ने उनको जीते जी मार डाला, मरने के बाद भी वही लोग सत्ता में आ गए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब का अंतिम संस्कार दिल्ली में हो, क्योंकि दिल्ली में कट्टर ब्राह्मणवादी और वर्ण व्यवस्था के समर्थक महात्मा गांधी की समाधि पहले से ही थी। नेहरू नहीं चाहते थे कि महात्मा गांधी से बहुत बड़ा कद रखने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की समाधि दिल्ली में बने। नेहरू समेत कुछ लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पार्थिव शरीर दिल्ली से मुंबई के लिए भिजवा दिया। दोस्तों, बाबा साहब के देहांत के बाद देश के शोषित वंचित दलित समाज के लोग अनाथ से हो गए थे, और होंगे भी क्यों नहीं, अब उनकी आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं था। लेकिन बाबा साहब अपने मौत से पहले अपने अनुयायियों को 3 उपदेश दिए थे। पहला, शिक्षित बनो, दूसरा, संगठित रहो, और तीसरा, संघर्ष करो। क्या बाबा साहब के इन 3 बातों का पालन उनका समाज कर रहा है? शायद नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि समाज के कुछ लोग शिक्षित हो जा रहे हैं तो समाज के संगठन से ही दूर हो जा रहे हैं। अगर तुम संगठन से दूर हो जाओगे तो संघर्ष कैसे करोगे? इन्हीं कुछ कारणों के वजह से हमारा समाज आज भी पीछे है। दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम।